स्टूडेंट्स असलकम यस्टरडे वी हैव रेड एंड इस माइंड वॉस एट वंस अनरेस्ट और इस तरह से रामा रव का जहन वंस एट रेस्ट सुकून के साथ यानी कहने का मतलब रामा रव को सुकून मिला आफ्टर सेंडिंग अवे द सोल्यूशन बाई रजिस्टेड पर्स्ट ही बिल्ट एलाबोरेट कैस्टल्स इन द आयर यानी उस पज़ल के सॉल्यूशंस बेचने के बाद यानी जिस जगह बेचना था उस जगह बेचने के बाद उसने हवा में महल बनाना शुरू कर दिया इससे मुराद है दिन दाड़े ख्वाब देखना शुरू कर दिया कि अब आठ हज़ार आ जाएंगे, तो मैं बच्चों को वापस ट्यूशन बेच दूँगा नया घर खरीद लूँगा और नौकरानियाँ रखूँगा और मेरी बीवी भी, भी, भी खुश रहेगी वगैरह वगैरह ही Even if it was only a share, he would get a substantial amount of money. He would send away his tenants, take his wife and children back to the bungalow in the extension and leave all the money in his wife's hand for her to manage for a couple of years. So he himself would take a hundred and go away to Madras and seek his fortune there. By the time the money in his wife's hand was spent, he would have found some profitable work in Madras. The दिन दाड़े हवा में महल कैसे बनाए यानी दिन दाढ़े ख्वाब कैसे देखे उसने कहा कि अगर ये पैसे आ जाते हैं तो मैंने पहले बता दिया बच्चों को वापस बीवी बच्चों को लेकर बंगलू वापस जाएगा कुछ पैसे बीवी के हाथ रखेगा ताकि वो खर्चे में इस्तेमाल करे और ख़ुद मद्रास जाएगा काम ढूंढने के लिए सिख इस फार्चून मतलब हो गया सिख फार्चून हो गया किस्मत तलाश करना मतलब है काम तलाश करने के लिए मद्रास जाएगा फिर उसने ये भी सोचा तब तक के लिए जितने पैसे बीवी के पास है वो भी खर्च हो जाएंगे तब तक के लिए तो मेरा भी वहाँ जॉब पक्का हो चुका होगा ये सब ख्वाब देखा किसने रामा राव ने तो पेज नंबर 135 का पैराग्राफ नंबर थ्री में रामाव जो है ख्याली पुलाव बना रहा है सब ऑन द फेटफुल डे ऑफ रिजल्ट रामाव द कैप्टन एंड द क्रैक सोल्यूशन स्टेड हिम इन द फेस अब देखें जिस दिन जर्नल में उस मैगजीन में रिजल्ट आने वाला था उसके का, तो वो हैरानो परेशान था स उसने बहुत ज्यादा गलतियां किया था पजल हल करने में देर वॉज नो चांस ऑफ गेटिंग बैक इवन इफ यू अनास नाउ ही मोब्ड अबाउट टिल द इवनिंग और शाम तक वो हैरान परेशान रहा उस दिन द मोर ही ब्रूडिड उज द मोर इन टोलेबर लाइफ सीम इतना ज्यादा वो उस आ, आ, के बारे में सोचता था उतना ज़्यादा उसको जिंदगी मुश्किल दिख रही थी All ऑल द लॉसिस डिसपॉइमेंट्स एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द लाइफ केम डाउन ऑन हिम renewed force। दुनिया की तमाम मुश्किल खसारे परेशानियाँ और फ्रस्ट्रेश एक साथ एक नई ताकत के साथ उसकी ज़िंदगी में आ गई यानी उस मैगज़ीन के सोल्यूशन को लेकर वो काफ़ी पुरीद था कि इस मरतबा तो ज़िंदगी निकल जाएगी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार लूँगा अनफॉर्चुनेटली उसका ठीक उल्ट हुआ और मज़ीद उसके गम और परेशानियों में इजाफ़ा हुआ यानी वो आठ हज़ार नहीं जीत पाया इन द दैल इन द इवनिंग इंस्टेड ऑफ़ टर्निंग हमवर्ड ही मूड अलॉन्ग द रेलवे स्टेशन रोड शाम के वक्त वापस घर आने के बजाय वो रेलवे स्टेशन चलने लगा He slipped in at the level crossing and walked down the line of the couple of miles. Or crossing ke niche aaya or kuch Mil chalne laga. It was dark far away the lights of the uh, uh, to, uh, a town twinkled and the red and green light of signal post loomed over the surrounding a couple of furlongs behind him. Or uh, raat ka कस्बे की गरु से निकलने वाली रोशनी भी धीमी दिख रही थी और ट्रैफिक लाइट्स भी दूर थे ही हैड कम टू कंक्लूजन दैट लाइफ वाज नॉट वर्थ लिविंग वो ये फैसला कर चुका था कि अब जिंदगी जीने के लायक नहीं रही इफ़ वन हैड द मिसफॉर्चून टू बी बॉन इन द वर्ल्ड द बेस्ट रेमिडी वॉज टू सेंड मैटर्स ऑन रेलवे लाइन आर विथ रोप रोप मिसफॉर्चून टू बी अच्छा रोप हिस माइंड आस्क इट इन वोलट्रियली यानी उसने उसके ज़मीर ने उससे बता दिया जब दुनिया में आके मुश्किल के लिए ही जीना है तो बेहतरीन सोल्यूशन ही यही है कि आप अपने आप को रल की पटरी के नीचे ला के ख़त्म कर दो या किसी रस्सी से खुद को फांसी दो अब समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को उसने खुदकुशी करने का फैसला किया He he pulled it it, it back. None of of that, he said to to and set it to contemplate the business dying. था कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला था यानी मुकम्मल तौर खात्मा के खत्म होना He lay across the lines, वो रेल की पटरियों में खुद को यू रेल की पटरी में खुद को बिठाया आप वो चाहता था कि रेल के नीचे आके मर जाए द आयरन स्टिल टलगाम वो जो लोहा अभी भी गर्म था रेल की पटरी तो आप जानते हैं द डे हैड बीन नॉट हर्ट दिन तो गर्म नहीं था रामा राओ फील्ड वेरी हैप्पी लेस देन टन मिनट ट्रेन फ्रॉम ट्रिचनपोली तो वुड बी अराइविंग रामाव इस बात से खुश था अगले दस मिनट में ट्रिचनपोली से ट्रेन आएगी और वो खत्म हो जाएगा ही ले देर नाट नो हाउलोंग वो वहीं पड़ा रहा वो नहीं जानता था कितनी देर तक ही ट्रेन इज एड टू कैच द साउंड ऑफ द ट्रेन उसने अपने कानू को पटरियों के साथ लगाया ताकि ट्रेन की आवाज को सुन सके बट यथिंग मोर देन ए व्यू रेटलिंग एंड बजिंग फॉर ऑफ उसको सिर्फ रर ऐसी आवाजों के अलावा कुछ भी आवाजें नहीं आ रही थी प्रजेंटली ही ग्रूट टाइड ऑफ लाइंग डाउन देअ और अब वो उधर पड़े रहने की वजह से काफी थक चुका था खुद को खुदकशी करने के लिए रेल के नीचे आना जाता था ना वो ही रोज एंड वॉक बैक टू द स्टेशन वो उठा और वापस रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा देर वॉज ए ग्रुड क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म द आस्ट ही ट्रेन वहाँ लोगों का एक हजूम था उसने वहाँ किसी से पूछा कि क्या हुआ है आज के लिए ही काफ़ी बेटा ओके खुदा